नमस्कार दोस्तों, एमसीजी एकेडमी ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि आरपीएफ का ट्रेड टेस्ट चल रहा है और मैं लगातार आप लोगों के लिए एक्सपीरियंस की वीडियो लेकर के आ रहा हूं, और ये एक्सपीरियंस वीडियोस का पांचवा पार्ट है आप लोगों के लिए। इससे पहले मैं अनुभव की चार वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। इसमें जो हमारे भाई हैं उन्होंने जो है सफाई वालों का स्पेशल जो बताया है, क्योंकि उनका सफाई वालों से ट्रेड टेस्ट था, तो ये वीडियो देखना सभी लोगों को, जिन साथियों का नहीं हुआ ट्रेड टेस्ट उन सभी को देखना है, क्योंकि ऐसा नहीं है बार्टर कैरियर वाला जो है सफाई वाले से कुछ एक्सपीरियंस नहीं ले सकता, एक्सपीरियंस हर जगह से तुमको मिलता है। तो वीडियो को आप लोगों को लास्ट तक देखना है, उसको आप लोगों ध्यान से सुनना है। और इन्होंने पूरी जानकारी दी है किस प्रकार से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा, किस प्रकार से हमें क्या करना है, इसलिए आप लोगों को जो है लगातार वीडियो हम उपलब्ध करवाते हैं। इसलिए आप लोग चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना है, क्योंकि आप लोगों को लगातार यदि आपका ट्रेड टेस्ट नहीं हुआ है और अनुभव चाहिए, तो रेगुलर आप लोगों को जो है हम अनुभव दिन में 10 से 15 वीडियो आप लोगों जल्द से जल्द उपलब्ध करवाने की कोशिश करेंगे। अभी हम पर डे आपको 2 से 4 लोगों का उपलब्ध करवाते हैं, लेकिन जिस प्रकार से हमारे पास जो है नंबर आते आ रहे हैं, तो हम आप लोगों को जो है उपलब्ध करवाते जाएंगे। और आप लोगों का भी यदि ट्रेड टेस्ट हो जाए तो आप हमें जो है अपना अनुभव ज़रूर शेयर कीजिएगा, क्योंकि आपके भाई लोगों को इसकी ज़रूरत है। मेरा आप लोगों को व्हाट्सएप नंबर मैं दिए देता हूँ, जिससे आप लोग मुझे जो है कर सको, और किसी भी वीडियो में आप लोग मेरा देख सकते हो। आप चैनल पर विजिट करके मेरा नंबर देख सकते हो, और मैं बोले देता हूँ, नंबर है मेरा 9303315375। इस नंबर पर आप मुझे व्हाट्सएप पर जो है कांटेक्ट कर सकते हो, 9303315375। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक सुनना है, इन भाइयों ने अपना क्या एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ शेयर करना चाहा है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे आगे से प्रत्येक वीडियो को आप लोगों को नोटिफिकेशन मिल सके। अब बताइए सर, आप कौन से ग्रुप से हो सर? बी बी ग्रुप से, 2 अगस्त को नासिक, महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में हुआ था सर आपका? हाँ, नासिक। तो सर बताइए किस प्रकार से, मतलब क्या क्या हुआ सर वहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन क्या क्या हुआ, क्या क्या आइटम थे, क्या क्या काम आपसे करवाया, थोड़ा सर अपने भाई। आइटम सर कुछ भी नहीं था, सारे दिन बैठा रखा हमको। यस सर। फिर मतलब लास्ट में शाम की टाइम उन्होंने मतलब ग्रुप बना लिया, मतलब जैसे एक ग्रुप बना लिया 50 लड़कों का। फिर उसके बाद में 50 लड़कों को मतलब अंदर ले गए, फिर 50ों में से 10-10 लड़कों का फिर अंदर जाके ग्रुप बना लिया उन्होंने। फिर 10-10 लड़कों पर सफाई करवाई। सर आप सफाई वाले से हो सर? हाँ। सफाई में सर क्या करवाया सर, पूरा बताइए सर, मतलब सफाई में सर मैं बता तो रहा हूँ, सुन तो जाओ। हाँ सर, सुनाई सर। मतलब 50 का ग्रुप बना लिया एक। यस सर। फिर उसके बाद में 50ों में से फिर 10-10 लड़कों का फिर ग्रुप बना लिया अंदर। यस सर। फिर उसको नंबर वाइज एक एक ग्रुप को लेते गए वो। हाँ। फिर उसके बाद में क्या है वहां पर, मतलब किसी लड़के को लेटरिंग मिल गई, किसी को बाथरूम, किसी को फर्श साफ करने के लिए। अच्छा। तो सर मेरे को मिली थी वो, मतलब फर्श मिला था, वाइपर से पानी साफ करना था। यस सर। तो बस मतलब बढ़िया साफ किया था, और वहाँ पे जो एसटी वगैरह थे आईपीएस वो साथ ही नंबर चढ़ा रहे थे भाई। बस। और सर ये बताइए सर, मतलब आपसे सफाई काय से, किस चीज से करवाया, मतलब झाड़ू से, वाइपर से, क्या? वाइपर से सर मैं बोलता रहा हूँ, फर्श से, वाइपर से सफाई होती है। और सर लेटरिंग बाथरूम वालों का क्या रहा सर, थोड़ा सा मतलब इस प्रकार से बताइए कि आपने जो कुछ भी वहाँ पर देखा अपने भाइयों के साथ शेयर कीजिए, वो लोग क्या चाहते हैं। मैं बता तो रहा हूँ सर, जो मतलब साफ करवा, जिस लेटरिंग को साफ करवा रहा है वो। हाँ सर। तो लेटरिंग के अंदर जो भी आपको मतलब सामान यूज में लेना है वो उसी के अंदर रखा रहता है। जैसे अभी आप उनको मतलब फिनाइल है, और मतलब ब्रश वगैरह, बाल्टी वगैरह जो उसके अंदर रहता है ऑलरेडी पहले से। अच्छा, वो सब कुछ उसको। और फिर क्या कहते हैं, मतलब हर एक बच्चे को एक एक व्यक्ति देखते हैं, झाड़ू का कोई काम नहीं है, झाड़ू नहीं लगवा रहे हैं सर? झाड़ू नहीं लगवा रहे सर। आप ले और इतना टाइम, हाँ उनके लिए टाइम नहीं है सर, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम। सर कितना टाइम ले रहे हैं, एक बच्चे को कितना टाइम देते हैं सर? 5-10 मिनट। 5-10 मिनट बस? बस 5-10 मिनट। कुछ लोग कह रहे हैं कि मतलब इतना टाइम नहीं देते और ज्यादा देना चाहिए, ऐसा तो नहीं है, 5-10 मिनट ही देते हैं सभी को? हाँ, 5-10 मिनट देते हैं। फिर वो खुद मतलब जो आईपीएस होते हैं ना वहाँ, तो वो अपने आप मतलब ऑटोमेटिकली वो बेसिक फिक्स कर लेते हैं, मतलब इस लड़के को पास करना है। अच्छा, मतलब वो शुरुआत में काम देख के कर देते हैं कि मतलब किस आधार पर? नहीं, तो कोई काम नहीं देखते, उनको तो बस
इस लड़के को सब बोली, उसने कुछ भी नहीं किया, मतलब कैसा भी काम किया उसने फिक्स कर लिया, इसको पास करना है तो पास करना है। ऐसा ऐसा कैसे सर? ही सिस्टम है सर वहां तो। देखा, क्यों सर, आपने कुछ देखा है ऐसा? मतलब मैंने खुद आंखों से देखा है सर। बताइए, मतलब क्या हुआ सर ऐसा? सर हम 10 10 लड़के थे हम, तो यस सर। 10 में से हमने मतलब 7 10 लड़कों ने साथ में सफाई की थी। हाँ दो सर। लड़कों को मिला था हमने मतलब फर्स्ट, हाँ और मतलब 8 लड़कों को मिली, 4 लड़कों को मिली थी लेटरिंग और 4 लड़कों को मिली थी बाथरूम। हाँ तो बस उसमें से एक लड़का पास किया ना, फर्श वो क्या कर रहा था सर? लेटरिन बाथरूम फर्श क्या? को साफ कर रहा आपके साथ वाला ही? मतलब था। एक ही बंदा सिलेक्ट हुआ मतलब आपके साथ से? हाँ और सर मतलब सफाई वाले में से झाड़ू का उपयोग नहीं करवा रहे हैं बिल्कुल भी? नहीं, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कैसे होता है सर, थोड़ा बताइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में सर मतलब डॉक्यूमेंट से अपने उनको चेक कर रहे हैं, क्योंकि क्या क्या ले जाना है सर? मतलब मेन तो अपने फोटो, आधार, जाति, 10वीं 12वीं की मार्कशीट, सेंट्रल का जाति, सेंट्रल का जाति कितने साल पुराना सर? वो साल पुराना 2016 से, 2016 से बाद मतलब 3 साल का पुराना होना है? चाहिए। हाँ 2 3 साल, 2 3 4 साल पुराना चल जाएगा। ऐसा 3 4 साल पुराना। और सर जैसे कि आप वहाँ, वो जैसे वहाँ पर फोटो वोटो की आवश्यकता तो नहीं पड़ रही है सर? अच्छा सर, क्योंकि बहुत से लोगों की यही रिक्वायरमेंट आ रही है कि सफाई वाला, तो आपने बता दिया सर वहाँ पर मतलब तेजाब वगैरह सब कुछ मिलता है सर? सब कुछ मिलता है। सफाई करने के लिए भाई सब कुछ वो ही देते हैं। रिजल्ट और उसके बाद जैसे रिजल्ट कितने बजे आता है? से आपको बता देते हैं। हाँ और शाम को फ्री कर देते हैं। नहीं, और जिन लोगों का हो जाता है उनका क्या, उनको रोक लेते हैं, उनको भी दे देते हैं जाओ घर, रोक लेते हैं। उनका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाते हैं? ऐसा है सर। तो सर आपका नहीं हुआ सर, सिलेक्ट हो गया सर आपका? चलो बहुत ही अच्छी बात है सर, आपका सिलेक्ट हो गया। तो मतलब दोनों सफाई वाले जो फर्श साफ कर रहे थे दोनों हो गए आप दोनों? क्यों ऐसा है सर? तो मतलब या मैं सर ऐसे मतलब जिसको मतलब उसने चुन लिया कि ये फिक्स है, इसको पास करना था, उसने मतलब बिल्कुल भी सफाई नहीं की उसकी, मतलब वो तो ये सिस्टम ऐसा था सर। ऐसा ही सर। सर आप अपने भाई लोगों से कुछ कहना चाहोगे? ये वीडियो सर आपके हजारों लोग सुनने वाले हैं आप सर, ऑडियो मतलब। तो सर मैं यही कहना चाहूंगा, मतलब जो आईपीएस आईपीएस वगैरह होते हैं ना, तो उनके सामने मतलब सर शांति से, और मतलब शांति की परिचय देना चाहिए उनको, मतलब उनके सामने ज्यादा बोलना नहीं चाहिए। अच्छा, उनके सामने बोलने को मतलब बातें नहीं करनी है बिल्कुल? हाँ ज्यादा नहीं बोलना चाहिए सर। हाँ तो और लोग जो फेल हो गए वो क्या बातें कर रहे थे सर? और लोग जो फेल हो गए वो बात कर रहे थे? अच्छा बाद में सर ज्यादा बोल देते हैं कि आपने ये नहीं किया सर, कर रहा हूँ बस, इसमें उसमें उसको चल जाती है दिमाग में, ये नहीं बेटा फेल, तुरंत ही नंबर लगाता है वो तो। ऐसा। और जो लेटरिंग साफ करवाते हैं वो पहले से बहुत गंदी रहती है या नॉर्मल साफ रहती है? नहीं, साफ रहती है, मतलब पहले से वो चालू रहती है सर, मीटरिंग तो चालू अच्छा, तो मतलब रहती है लोग वो तो करवाते नॉर्मल मतलब ऐसे ही दिखाते हैं मतलब किस प्रकार से की जाती है मतलब? हैं। हाँ आपने मतलब जैसे आप हम आप लोग रोज ना यूज करते हैं, रोज बस वही हाँ लेटरिंग आती। अच्छा। और सर फर्श मतलब जो आपने साफ किया था वो पहले से साफ था कि मतलब गंदा था ज्यादा? मीडियम था ज्यादा गंदा नहीं। हाँ, तो उसको आपने एकदम क्लीन करवा दिया सर? हाँ सर वाई फर्श से। सर बाई फर से उसको क्लीन करना था। और सर कुछ मतलब ऐसा कुछ और आपने देखा हो जो आप भाई लोगों के साथ शेयर करना चाहते हो? नहीं सर, बहुत लोग क्या है घबरा जाते हैं पहली बार देने के लिए जाते हैं, तो नहीं, कोई दिक्कत नहीं सर, नॉर्मल होता है। हाँ सब कुछ नॉर्मल होता है ना सर? बहुत नॉर्मल होता है। चलिए सर। और सर आपके मतलब सिलेक्ट आपके नंबर कितने आए थे सर पहले मतलब पेपर? नंबर नहीं बताते सर, मतलब अच्छा सर, नंबर नहीं बताते सर। सभी लड़के होते हैं ना, मतलब पहली बैच से लेकर लास्ट अंतिम तक सबको वो इकट्ठा कर लेते हैं एक हॉल के अंदर, फिर उसके बाद में नंबर बोलते जाते हैं कि ये ऐसे ऐसे उनको अलग कर देते हैं, फेल वालों को अलग कर देते हैं, पास वालों को अलग कर देते हैं। ऐसा है सर, और फिर जो फेल हो जाती है उनको जाओ भाई यार, घर जा देते हैं। हाँ घर जाओ। चलो सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने याद सर मेहमान कौन में आपका यूट्यूब चैनल कौन सा है? अच्छा सर। MCG एकेडमी ग्वालियर। ग्वालियर, हाँ सर, MCG एकेडमी डालना अभी सर, आपका 30 मिनट के अंदर आपका वीडियो डल जाएगा सर।
एमसीजी। हाँ MCG एकेडमी। ओके सर, ओके सर बहुत बहुत धन्यवाद, आपने अपना अनुभव शेयर किया अपने भाइयों के साथ, क्योंकि उन लोगों को आपकी आवश्यकता है सर, सही है कि नहीं? वो लोग गए नहीं है तो नहीं वो नहीं हाँ सर वो एक्सपीरियंस सही है, वो तो होता है सर, पर कोई दिक्कत नहीं है, ज्यादा घबराना नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, नॉर्मल तरीका से होता है सब कुछ। चलो सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका।